सुना अपनी सहयोगी महक शर्मा के साथ। समाचार एक्सप्रेस में आज घटित दिन भर की बड़ी खबर के साथ, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज दिल्ली और बिहार में लोग सड़कों पर उतरे। हरियाणा के गुरुग्राम में आज पुलिस सतर्कता के चलते 10 किलोमीटर लंबा जाम किया गया। शाम को 4 बजे भी गुरुग्राम में स्थिति यथावत बनी हुई थी। आज दिन भर देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में क्या गतिविधियां घटित थी, इसे समाचार एक्सप्रेस सिलसिलेवार आपको बताएगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, यूपी के पूर्व सीएम मायावती तथा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। आज किस तरह से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुए, यह भी हम आपको तस्वीरों से समझाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस और लाल किला इलाके में धारा 144 लगा दी। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें आ रही हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों की है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज देश में नागरिकता संशोधन कानून का किस तरह से विरोध किया गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया। नई दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में गुरुवार को वाम दलों और मुस्लिम संगठनों ने कर्नाटक, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में बंद बुलाया। इस दौरान बिहार के पटना, दरभंगा समेत कई शहरों में माकपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। उधर दिल्ली में धारा 144 के बावजूद प्रदर्शन करने वाले कई लोग हिरासत में ले लिए गए। डीएमआरसी ने एहतियातन राजधानी के 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर डीएमआरसी ने पटेल चौक, लोक कल्याण, उद्योग भवन, आईटीओ, प्रगति मैदान, खान मार्केट और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं। माकपा के प्रदर्शनकारियों को मंडी हाउस से जंतर मंतर के लिए बुलाया गया है। पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगाया गया है। वहीं बिहार में नागरिकता कानून के खिलाफ बंद में प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। माकपा कार्यकर्ताओं ने पटना, दरभंगा और खगड़िया में ट्रेनें रोकी और हाईवे जाम कर दिए गए। बंद के मद्देनजर पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल समेत बिहार के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। पटना के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं इस बंद को कांग्रेस, रालोसपा और अन्य दलों ने समर्थन दिया है। वहीं अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के कुलबुर्गी में लेफ्ट और मुस्लिम संगठनों ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इतिहासकार रामचंद्र गुहा को हिरासत में लिया। राज्य में बंद के चलते पुलिस मुस्तैद है। बेंगलुरु, कलबुर्गी, दक्षिण कन्नड़ और उसके आसपास के जिलों में अगले 3 दिन तक धारा 144 लागू रहेगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इस प्रदर्शन और बंद के पीछे कांग्रेस का हाथ है। उनके नेता प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिमों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, मैं सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। वहीं अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 4 बजे से प्रदर्शन होगा। इसमें अभिनेत्री स्वरा भास्कर, अभिनेता फरहान अख्तर के शामिल होने की चर्चा बनी हुई है। इसके अलावा मालेगांव, नासिक, जलगांव और मनमाड में और अमरावती में भी बंद बुलाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। एहतियातन 3,000 लोगों को पाबंद किया गया। पुलिस ने 65 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं बात करते हैं लखनऊ में, जहां विधानसभा के पास एक मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शन पर नजर रखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही स्वराज इंडिया को रैली और प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं दी गई। बावजूद इसके सभी संगठनों और वामदलों ने रैली निकालकर प्रदर्शन करने की बात कही है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के कई इलाकों में हो रहे प्रदर्शनों के चलते मोबाइल कंपनियों ने दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई संगठनों ने लाल किले और मंडी हाउस पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। भारतीय एयरटेल ने कहा कि कुछ इलाकों में सरकार के निर्देशों के मुताबिक कुछ इलाकों में इंटरनेट, एसएमएस, कॉल पर पाबंदी लगा दी गई है। हैक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए वोडाफोन ने ट्वीट कर बताया है कि जामिया, शाहीन बाग, बवाना, सीलमपुर, जाफरबाग, मंडी हाउस, पुरानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में सेवाओं को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज आप एक हमारे सेवाओं को इस्तेमाल नहीं कर पाए।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित लाल किला क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में। पुलिस ने स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और उनके साथियों को भी हिरासत में ले लिया। खालिद अपने साथियों के साथ लाल किला से आईटीओ स्थित शहीद पार्क तक जाना चाहते थे। इस दौरान आईटीओ जाने वाला मार्ग वाहन व पैदल यात्री दोनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। छात्र लाल किला पर प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद 20 से 25 की संख्या में अलग अलग रास्ते से पहुंच रहे हैं। प्रदर्शन के लिए अभी तक पहुंचे सभी छात्र व स्थानीय लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि आवाज को जितना दबाया जाएगा उतनी तेज आवाज उठेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और रोशन सिंह का शहादत दिवस। इस साझी शहादत का महत्व आज तब और बढ़ जाता है जब सरकार में बैठे लोग धर्म की राजनीति का चश्मा लगा कर बैठे। उन्होंने ये भी लिखा कि अशफाक और बिस्मिल के किस्से कुछ इस तरह के हैं कि शाहजहांपुर में उनके रिश्तेदारों ने उनसे कई बार पूछा कि आपका धर्म तो अलग अलग है, इतनी घनिष्ठता कैसे है आपके बीच में। वहीं अब बेंगलुरु के टाउन हॉल में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा सहित अन्य लोगों को पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गुरुवार को हिरासत में लिया। पुलिस कर्मी गुहा को अपने साथ में खड़े वाहन तक लेकर गए। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने शहर में प्रदर्शनों के खिलाफ लगी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है। खुद को हिरासत में लिए जाने पर गुहा ने कहा कि यह चिपकुल ओलांकतंत्रित है कि पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, जबकि यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही स्वराज अभियान प्रमुख योगेंद्र यादव को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ मार्च करने के लिए दौरान लाल किले के निकट हिरासत में लिया गया। वहीं पटना में नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलनों के गुरुवार को बुलाए बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव मचाया और गुंडागर्दी भी की है। गुरुवार को सुबह राजधानी पटना समेत विभिन्न इलाकों में कार्यकर्ताओं ने जाकर न केवल दुकानों को जबरदस्त कराया बल्कि कई वाहनों को भी निशाना बनाया। पटना के व्यस्त डाक बंगला चौराहा पर जेएपी कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया और उनके शीशे तोड़ दिए। उधर बिहार की बात करें तो उधर बिहार के डाक बंगला चौराहा पहुंचे पप्पू यादव के समर्थकों ने पुलिस की मौजूदगी के बावजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साथ ही राजधानी के अन्य इलाकों में भी जेएपी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें सामने आ रही हैं। आरा में भी जेएपी की कार्यकर्ताओं ने शबर के जेल रोड की दुकानों पर पथराव किया और जबरन दुकान बंद कराई। कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव खुद भी सड़क पर उतरे और उन्होंने अपने समर्थकों को अभी जोश बढ़ाया है। पप्पू ने कहा कि केंद्र सरकार देश के टुकड़े टुकड़े कर रही है, संविधान की रक्षा और देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए हम हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। बिहार बंद के दौरान पटना के राजेंद्र नगर कड़कमबाग रोड में भी बंद समर्थकों ने रोड जाम किया। बंद को लेकर हुए जाम में स्कूल बसों में छोटे छोटे बच्चे फंसे हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी जाने नहीं दिया। राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन महागठबंधन में शामिल मुकेश सहानी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने किया था। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी जबरन दुकानों को बंद कराने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं जयपुर में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच इस कानून को राजस्थान में लागू करवाने की मांग को लेकर बीजेपी राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसके तहत बीजेपी के हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए सिविल लाइन पहुंचेंगे। वहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करवाने की मांग की जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि इस प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के लिए जयपुर के आसपास के लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शन में लगभग 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए संपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया अपनी पूरी टीम के साथ प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। पार्टी का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हों।
उधर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी विधानसभा भारी विरोध के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने मांग की है कि देश और जनहित में केंद्र सरकार को इस नए नागरिकता कानून का वापस लेना चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया है कि देश व व्यापक जनहित में केंद्र को चाहिए कि वह नए नागरिकता कानून को वापस लेकर अर्थव्यवस्था की बदहाली, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी, रुपए की गिरती कीमत आदि की राष्ट्रीय समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करे, वरना जनता इनका भी हाल सन 2014 के कांग्रेस जैसा ही करने में देर नहीं करेगी। देखिए अब आपको दिखाते हैं कि विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ कहा और लोगों ने इसका किस प्रकार से विरोध किया। और ये चाहते हैं कि देश सांप्रदायिकता की आग में जले, ये सरकार चाहती है, और उस आग के धुएं के पीछे ये अपनी नाकामयाबी को छुपा सके, गिरती अर्थव्यवस्था को छुपा सके, 2 करोड़ नौकरी देने के सवाल को छुपा सके, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुँचाने के सवाल को छुपा सके। देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो बोलते हैं उसको कहते हैं कथनी और करनी, उसमें अगर फर्क होता तो लोगों को अपना घर बार काम काज पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी छोड़ के सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। नोटबंदी के वक्त में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगी, नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, करोड़ों लोग लाइन में लग गए इस उम्मीद में कि काला धन वापस आएगा। आया वापस, किसके खाते में 15 लाख पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाते हैं, देश के जनता की मन की बात नहीं करते हैं, इसीलिए आज लोगों को करना पड़ा। नागरिकता देने का सवाल नहीं, नागरिकता देने का सवाल नहीं है, नागरिकता देने के सवाल का कोई विरोध नहीं। देश में जो रह रहे लोग हैं उन नागरिकों को परेशान करने का सवाल है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, आपका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, आपको डॉक्यूमेंट दे करके ये साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं। तो डॉक्यूमेंट की हालत ये है कि 40% से ज्यादा लोग जो है इस देश में जिनके पास वोटर आईडी है उनका नाम रहता है और फोटो उनके पिताजी का होता है, पति का नाम होता है, पत्नी का फोटो रहता है। गरीब लोगों को एक बार फिर से लाइन में खड़ा करके उनको परेशान करना चाहते हैं। और सब चीज के बीच जनजाति दलित के पास पासपोर्ट नहीं है, कागज नहीं है, कैद कर दिए हो, हम लोग कैद हो गए, डर रहे हैं गोली चलाएगा यह सरकार, इसीलिए हम को पाल लिए कि ना चाहते हमने ऐसे गोली चलाया, इसीलिए ये सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। इस सरकार जब बेटी को चला के हरियाली मना रहा है, ये बिहार आजादी की बात कर भेदभाव के साथ और संविधान की धज्जियां उड़ा रही भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा राज्यसभा में तो समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा ही है, वहीं इस काले कानून के खिलाफ है। हमारा लोकतंत्र धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता। हमारा संविधान आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का भेदभाव जानबूझ करके कर रही है जिससे उन्हें कुर्सी मिलने में आसानी हो। ये केवल कुर्सी पाने के लिए काला कानून लाए हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, इसका विरोध कर only identify one community who will not get citizenship, whatever it be. Then we also raise the issue of Sri Lankan country. Then Myanmar is also a neighboring country. What happened to all those Rohingya peoples who are being tortured by their state? So it is absolutely targeted against one particular group. And our constitution doesn't say anything that your citizen should be based on your religion identity. So we are against of it. We are against of it. I think entirely our majority of the people who believe in Indian constitution, have a trust on the values of Indian constitution. They are against of it. So we came to have a peaceful protest, but we are told that some of our students who are coming, they are already got arrested and police taken away. But whatever they like to do, let them do. We will march forward. उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो। तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है, 70% से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होंगे।
तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यही पैदा हुए हमारे बाप दादा परदादे सब यहीं पैदा हुए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सभी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या बर्ताव होगा। खासकर गरीब आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब लोग इस टाइम डरे हुए हैं। इस कानून से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मेरी हाथ जोड़ के अपील है सभी केंद्र सरकार से कि इस कानून को इस टाइम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत इस टाइम है तो युवाओं को रोज़गार देने की है। हम सब लोगों को मिलके इंतजाम करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए हम रोज़गार पैदा करें, और इस कानून की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी विडंबना है कि जिस दिन आज लॉन्च कर रहे हैं उसी दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद करनी पड़ रही है पुलिस को। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हालात सामान्य होंगे। और पूरे दिन को एक सांप्रदायिक रूप देने की बात कर रही है, उसमें भी दिख रहा है। लेकिन किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि इस धर्म के लोगों को जो पनाह पाना चाहते हैं, शरण में आना चाहते हैं, उनको आप नागरिकता दीजिए। बात केवल यह है कि शरणार्थियों का जो आप विश्लेषण करते हैं वो धर्म के मुताबिक नहीं करिए। हम लोग तो केवल ये चाहते हैं कि उसी बिल में आप किसी धर्म को चिन्हित करने की जगह ये पूरे भारत में छात्र विरोधी ये सरकार है, उसके विरोध में अहमदाबाद प्रदर्शन है। लेकिन हमें पता नहीं यहाँ पुलिस की इंटेलिजेंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अगर यहाँ कोई ट्रबल होने वाला है जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।